सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। उनका जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के केसोली गांव में हुआ था। उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी जी ने किया। उनका शुरुआती शिक्षण अल्मोड़ा में ही हुआ। उसके पश्चात वे क्वींस कॉलेज में इलाहाबाद में उन्होंने आगे की अपनी शिक्षा पूरी की। अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित होके अपनी शिक्षा छोड़ के उनके सत्याग्रहों में शामिल हो गए और अपनी छोटी उम्र में ही उन्होंने कई सारी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी बहुत प्रचलित कविताओं में से कुछ कविताएं हैं गुंजन, वाणी, युगपथ, सत्यकर्म। उनको अपने कार्य के लिए कई सारे पुरस्कार भी दिए गए। उन्हें चिदंबरम के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। हिंदी साहित्य के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। उनका देहांत 28 दिसंबर 1977 को हुआ। धन्यवाद।